इस मॉड्यूल में हम वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ एक्नोडम्स वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे वाटर वेस्कुलर सिस्टम में मेड्रेप्राइड्स इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं प्लेट्स की शक्ल में हैं ये एक इनलेट के तौर पे सर्व करते हैं कि इनलेट का मतलब है कि एक दफ़ा वाटर बॉडी के अंदर एंटर हो गया तो ये कवर कर देंगे कि वाटर बॉडी से बाहर ना जा सके और they दे आल्सो हेल्प टू इक्वलाइज द प्रेशर बिटवीन water vascular system and outside the body और ये क्यों जरूरी है क्योंकि सारे काइनोडम्स मेरीन हैं दे आर लिविंग इन वाटर तो उनके बॉडी के दरमियान और आउटसाइड द इन्वायरमेंट के दरमियान वाटर का बैलेंस होना बहुत जरूरी है मेड्रेपोराइड उस सिलसिले में इंपॉर्टेंट किरदार अदा करेंगे फिर पोलियन वेजिकल्स पोलियन वेजिकल्स का फंक्शन क्या है ये फ्लूड स्टोरेज को वाटर वेस्कुलर सिस्टम में आ, उसके लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे वाटर वेस्कुलर सिस्टम के फीडिंग के अलावा लोकोमोशन का इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है प्रोबेबली जो ओरिजिनल फंक्शन जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम का था वो फीडिंग का था लोकोमोशन का नहीं था लेकिन अब ये दोनों सिस्टम के अंदर इसका इम्पॉर्टेंट रोल इसके अलावा जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है इसकी मेम्ब्रेन अगर हम देखें दैट इज़ वेरी सॉफ्ट अब ये जो सॉफ्ट मेम्ब्रेन है वाटर वेस्कुलर सिस्टम की दैट आल्सो परमिट्स डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस एंड नाइट्रोजीनियस वेस अक्रॉस बॉडी वॉल फिर जो दूसरी टर्म समाइम्स वाटर वेस्कुलर सिस्टम के लिए यूज़ होती हैं उसमें है एक तो इसका हम कह देते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ एक्काइनोडम्स जो दूसरी है वो टर्म इसके लिए जो यूज़ होगी वो है एम्बुलेक्रल सिस्टम इसके अलावा इसके लिए एक्वाफेरस सिस्टम जो है वो भी नाम यूज़ किया जा सकता दिस इज़ द अगेन फंक्शन ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेयर द वाटर इज़ एंट्रिंग इनलेट ऑफ वाटर के लिए ये मेडरेपोराइट है मेडरेपोराइट इज़ अ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिस विल सर्व एज एन लिड कि एक दफ़ा वाटर यहाँ से आ गया मेड्रीप्राइट के थ्रू ये माउथ में एंटर होगा ये लिड जो है जैसे ही माउथ वाटर से फिल हो जाएगा दिस लिड विल क्लोज अगर ये लिड क्लोज नहीं होगी तो कंटिन्यूसली यहाँ पे वाटर की एंट्रेंस होगी तो बॉडी का अंदर एक्स्ट्रा वाटर आ जाएगा दिस मेड्रिपराइट इज सेट टू तो यूजली इक्वलाइज द वाटर प्रेशर बिटवीन द बॉडी एज वेल एज इन दिस सराउंड एनवायरमेंट वेयर दिस एनीमल इज लिविंग यहाँ से वाटर जो है फर्दर फिर कैनाल्स में जाएगा ट्यूब फीट में जाएगा तो दिस मेड्रीपराइट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम ऑफ ऑफर बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग एनवायरमेंट तो, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम दो मेन फंक्शन है एक है फीडिंग और दूसरा है लोकोमश